हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढोकला बनाने की एक बहुत ही इजी रेसिपी, जिससे जो ढोकला है वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 2 कप बेसन। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून नमक एंड 1 टीस्पून ऑयल। अब इसका हमें बैटर बनाना है, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। लेकिन एक बार में हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे, ताकि लम्प्स ना बने। तो जब भी आप कोई भी बैटर बना रहे हैं तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और साथ ही मिक्स करते रहिए, इससे आपके बैटर में कभी लम्प्स नहीं बनेंगे। चलिए, बैटर अब रेडी हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी। और अब हम इसे रेस्ट करने देंगे करीब 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद हम एक टिन लेंगे और अब इस टिन को हमें अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है सारी साइड्स पर। आपके पास अगर ऐसा टिन नहीं है तो जो नॉर्मल स्टील की कटोरी हम यूज़ करते हैं घर में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम हमारा बैटर डाल देंगे। और यहाँ पर अब हमने एक कढ़ाई रखी हुई है, इसमें 400 ml पानी मैंने बॉईल होने दिया था। और उसके बाद इस पर एक स्टैंड रख के उस पर हम ये टिन जो है वो प्लेस कर देंगे। अब हम इसे ढककर पकने देंगे करीब 25 से 30 मिनट तक मीडियम हीट पर। और अगर आपको लगता है कि बीच में इसमें पानी सूख गया है तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब ढोकला बिल्कुल रेडी है, इसके लिए तड़का बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होता है हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई के दाने। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 ग्रीन चिलीज, इन्हें मैंने 1/2 मिसलिट किया है, थोड़े से करी पत्ते। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे पानी, मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है इसमें। और इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। बस अब इसे पकने देना है, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाता है और जो चीनी है वो जब तक कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती हम इसे थोड़ा सा कुक कर लेंगे। देख लेते हैं, अब इसे चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो अभी हमारी जो टेम्परिंग है, हमारा तड़का है, वो भी रेडी हो चुका है। बस अब जैसे ही ढोकला ठंडा होगा आप इसे स्क्वायर पीसेस में कट कीजिए और ये जो तड़का हमने बनाया है इसके ऊपर डाल दीजिए। थोड़ी देर तक ये जो तड़का है, शुगर सिरप है, इसे सोक होने दीजिए ढोकले में, ताकि जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आए। आखिर में थोड़े से चॉप धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। एंड हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है ये। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी। ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।